और चक दे इंडिया का जो बिगिनिंग सीन है स्ट्रोक वाला शाहरुख खान का आपने देखा होगा, ऑल राइट। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी इमरान बिस्मिल्लाह, और आज हम लोग बात करेंगे पेनल्टी स्ट्रोक के बारे में। अभी जैसे मैं रिसेंटली जलगांव गया था तो हम लोग ने प्रैक्टिस किया काफ़ी अच्छी पेनल्टी स्ट्रोक की। अभी पेनल्टी स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है, बट हमने प्रैक्टिस किया तो सोचा कि उन्हें इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। अभी पेनल्टी स्ट्रोक बोले तो पेनल्टी स्ट्रोक को हम लोग पेनल्टी फ्लिक के नाम से भी जान सकते हैं। और जो फाउल होता है, मतलब क्या सीन होता है पेनल्टी स्ट्रोक में, पेनल्टी स्ट्रोक एक ऐसी मोमेंट होती है जब अटैकर जो होता है, मतलब गोल करने वाला होता है और किसी वजह से वो स्कोर को मिस हो जाता है, मतलब अपोनेंट टीम के जरिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो जो कन्वर्टिंग मोमेंट होती है उस टाइम पे जो होता है रेफरी उस चीज़ को स्ट्रोक देता है। देन जो हम लोग का शूट आउट एरिया होता है, ठीक है, शूट आउट एरिया में डिफेंडर के जरिए जो जानबूझ कर दी जा, मतलब डिफेंडर के जरिए जो जानबूझ कर गलती की जाती है, जो अनएक्सपेक्टेड होती है, ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लगा हो गया। सो इसकी वजह से एक पेनल्टी स्ट्रोक आपको मिलता है। तो हम लोग ने जो ऐसे तो जेन्युइनली मतलब बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, और चक दे इंडिया का जो बिगिनिंग सीन है स्ट्रोक वाला शाहरुख खान का आपने देखा होगा, उसमें भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो ठीक है, वही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरे साथ थे हमारे दोस्त पुजेश, कीपर थे अबरार और मैं, तम तीन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए।